पंजाब में बेमौसम बारिश की वजह से खराब हुए फसलों का जायजा लेने सरकार के विधायक खेतों में जा रहे हैं। इसी कड़ी में फिरोजपुर देहात से आम आदमी पार्टी के विधायक रजनीश दहिया ने भी बारिश से खराब हुई फसलों का जायजा लिया है। उस दौरान उन्होंने किसानों को हर संभव मदद का भरोसा देते हुए मुआवजा फंड अपने एक महीने का वेतन देने की घोषणा की। मुक्तसर में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी है। इस दौरान पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कई जगहों पर छापेमारी की है और पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान की जानकारी देते हुए अधिकारी ने बताया कि सरकार के कड़े निर्देशों के तहत ये सर्च ऑपरेशन चलाया गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में किसी भी तरह के अपराध को रोकने के लिए सरकार के निर्देश पर पुलिस अभियान चला रही है। बैसाखी के त्यौहार को लेकर श्री आनंदपुर साहिब में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। इस फ्लैग मार्च में पुलिस टीम के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स भी मौजूद रही। एसएसपी विवेकशील सोनी ने कहा है कि सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। उन्होंने बताया कि लोगों की सुरक्षा पुलिस की जिम्मेदारी है। जिले में शांति व्यवस्था के साथ सभी त्यौहार मनाए जा रहे हैं। फिरोजपुर सेंट्रल जेल में मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा तलाशी अभियान के दौरान जेल से 26 मोबाइल फोन समेत कई प्रतिबंधित सामान बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि नशे के सामान के साथ साथ तलाशी अभियान के दौरान एक डाटा केबल और एक मोबाइल चार्जर भी मिला है। बहरहाल मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल प्रशासन ने इसकी शिकायत पुलिस थाने में दर्ज कराई है, जहाँ शिकायत के आधार पर लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। लुधियाना के सेंट्रल जेल से मोबाइल फोन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। ताजा मामले में जेल से 10 मोबाइल फोन के अलावा एक चार्जर और कुछ अन्य प्रतिबंधित सामान बरामद किया गया है। जेल में मोबाइल फोन और प्रतिबंधित सामान मिलने की घटना के बाद जेल प्रशासन अलर्ट पर है और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है। बताया जा रहा है कि पंजाब की अलग अलग जेलों से मोबाइल फोन के अलावा अन्य प्रतिबंधित सामान मिलने की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। बेमौसमी बरसात और तेज हवाओं ने गेहूं की फसल को प्रभावित किया है, जिसके चलते किसानों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा है। तो वहीं नवा शहर की दाना मंडी में मार्केट कमेटी की ओर से गेहूं की आमद को लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है। तो वहीं किसानों ने अपनी खराब हुई फसल को लेकर के सरकार से मुआवजे की मांग की। समराला में एक पिता ने अपने 16 साल के बेटे और पति पर तेजधार हथियार से हमला कर उन्हें गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। घायल महिला ने अपने परिवार वालों को कॉल किया, जिसके बाद उनके भाई मौके पर पहुंचे और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस दौरान महिला के भाई ने बताया है कि उनका दामाद नशे का आदी है, जिसके चलते उसने अपनी पत्नी और बच्चे पर हमला किया है और एक बच्चे को अपने साथ ले गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। गुरदासपुर के हलका फतेहगढ़ चूड़िया में कार सवार और एक्टिवा सवार के बीच मामूली सी बात को लेकर के विवाद हो गया है, जिसके चलते कार सवार युवकों ने फायरिंग कर दी है और मौके से फरार हो गए। तो वहीं एक्टिवा सवार युवक परमवीर सिंह घायल हो गया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी और ये सारी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर कार सवार व्यक्ति की तलाश की जा रही है।